Hey everyone, आज की मेरी रेसिपी का नाम है पनीर कोल्हापुरी। ये पनीर कोल्हापुरी मैं बनाऊंगी होममेड कोल्हापुरी मसाले से, जिसको कि आप बना करके आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन हो आप उसको यूज करिए। और इस मसाले को जब आप अपनी ग्रेवी में डालेंगे तो आपको इस पनीर कोल्हापुरी का टेस्ट बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम कोल्हापुरी मसाला बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 2 तेज पत्ता, 4 से 5 लाल मिर्च, फिर 1 स्टार एनीस डाला है मैंने, और फिर उसमें डाले मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, मैंने डाली है 10 काली मिर्च, फिर इसमें मैंने ऐड करी है 5 से 6 लौंग, और फिर इसमें मैंने ऐड करा है 2 टेबलस्पून धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको हम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से जो इन स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो और इन्हेंस हो जाता है। फिर इसमें मैंने ऐड करे हैं सफ़ेद तिल और 2 टीस्पून ड्राई कोकोनट। इसको हम थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और देखिए ये अब अच्छे तरीके से जो है स्पाइसेस हो गई हैं हमारी, तो इनको हम मिक्सी के जार में डाल करके पाउडर फॉर्म में ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए ये हमारा कोल्हापुरी मसाला बन करके रेडी है। तो चलिए अब हम आगे जो है ग्रेवी के लिए तैयारी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल डाला है, और उसमें मैंने 3 जो है ऑनियंस डाले हैं, और इन ऑनियंस को तब तक सॉटे करना है जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। ऐड करे हैं 2 जो है डाइस्ड टोमेटोस, उसके बाद उसमें मैंने ऐड करे हैं 10 से 15 जो है गार्लिक की कलियाँ, उसमें 2 इंच की अदरक डाली है। इसको थोड़ी देर सॉटे करने के बाद इसमें मैंने ऐड करे हैं 10 से 15 काजू और स्वाद अनुसार नमक। इसको हम थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर हम सॉटे करेंगे, और जब हमारा टमाटर जो है अच्छे से गल जाए तो इसको हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए ये हमारा जो है टमाटर और प्याज का जो पेस्ट हमें बनाना है, जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम पनीर को क्यूब्स में कट कर लेते हैं। यहाँ पे पनीर को सॉफ्ट बना रहने के लिए मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि आप मार्केट से जब पनीर लेकर के आते हैं तो आप उसको जो है एक बोल में पानी भर के उसके अंदर पनीर डिप करके फ्रिज में रख देंगे, तो इससे आपका पनीर सॉफ्ट रहेगा। और जब आपको इसको बनाना हो तब आप निकालिए, और ग्रेवी बनाने के बाद जब आपको जो है पनीर ऐड करना होता है तो उससे पहले आप उसको 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर जो ठंडा हो गया था उसका मैंने जो है मिक्सी में चलाकर उसका एक पेस्ट बना लिया है। तो चलिए फटाफट हम ग्रेवी बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और फिर इसमें मैंने जो ऑनियन टोमेटो का पेस्ट था वो डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच पर हम सॉटे करेंगे जब तक ये जो है पेस्ट जो है हमारा ऑयल ना छोड़ने लग जाए। ये मतलब परफेक्टली डन हो गया है। तो अब हम इसमें मैंने ऐड करा है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। फिर इस मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्वादानुसार नमक, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने कोल्हापुरी मसाला बना करके रेडी करा था उसके 2 टेबलस्पून हम कोल्हापुरी मसाले की ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको धीमी आंच पर और सॉटे करेंगे जिससे कि ये जो मसाला हमारा एब्जॉर्ब हो जाए पूरी तरीके से। जब ये मसाला हमारा अच्छे से घी छोड़ने लग जाए तो उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी, और जब तक ये पानी डालने के बाद ये मसाला बॉईल हो रहा है तब तक आप फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये मसाला अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें मैंने जो है माइक्रोवेव कर दिया था पनीर को, और इसमें मैंने पनीर को ऐड कर दिया है।
और अब इसको थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोल्हापुरी बनकर के रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।